आईडीएफसी बैंक और श्रीराम ग्रुप के स्टॉक्स ये लाइमलाइट में रहेंगे। ऑलरेडी पूरी पूरे ही स्पेस में हमने काफी बाइंग पिछले पूरे हफ्ते देखी है, लेकिन आईडीएफसी और श्रीराम ग्रुप के बीच मर्जर की डील अब करीब करीब तय हो गई है और मर्जर के लिए बातचीत इस हफ्ते से शुरू होगी। 90 दिनों में दोनों कंपनियां वैल्यूएशन पर डिसीजन लेंगी। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को आईडीएफसी बैंक में मर्ज किया जाएगा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन साथ ही इंश्योरेंस कारोबार आईडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडी होगी। मर्जर के लिए अभी रेगुलेटरी मंजूरियां मिलने बाकी हैं। मर्जर से आईडीएफसी बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में बढ़त होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को आईडीएफसी बैंक में मर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से रेगुलेटरी मंजूरियां मिलनी मुश्किल होंगी। लेकिन मर्जर के बाद श्रीराम कैपिटल और बीएससी पल्लिस आईडीएफसी नई कंपनी की होल्डिंग कंपनियां होंगी और मर्जर से कंपनियों के एसएलआर और सीएलआर में फर्क पड़ेगा। सभी कंपनियों के कामकाज का तरीका अलग होगा जिसकी वजह से जो चुनौतियां हैं वो आ सकती हैं। श्रीराम कैपिटल की बोर्ड बैठक शनिवार को बुलाई गई जिसमें विलय पर चर्चा हुई। राजीव जी, निवेशकों के लिए समझाइए कि इस पूरी डील में उनके लिए क्या है। आज की तारीख में कॉर्पोरेट इंडिया में क्रेडिट डिमांड की तकलीफ है और तरह तरह की और डिफिकल्टीज हैं, तो रिटेल बिजनेस बनाना बहुत ही आवश्यक मुद्दा था हमारे लिए। इस मर्जर के द्वारा ये जो कि लक्ष्य है बहुत एक्सेलरेटेड पेस पे हमें हासिल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ता है हमारी, अभी 18 महीने में हमने जितनी ब्रांचेस बनाई हैं 300-400 ब्रांचेस, एक मर्जर के द्वारा हमारी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस 1000 से भी ऊपर हो जाएंगे। तो यील्ड बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगी, रिटेलाइजेशन एक्सेलरेट होगा, ये हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। उसके ऊपर आईडीएफसी शेयर होल्डर्स को 100% जो कि प्रॉफिट्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के हैं वो मिलेंगे, क्योंकि वो कंपनी जो है आईडीएफसी लिमिटेड की 100% सब्सिडियरी बन जाएगी। उसके ऊपर आईडीएफसी लिमिटेड शेयर होल्डर्स को इनकी जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनमें भी सब्सटैंशियल स्टेक मिलेगा। मिस्टर त्यागराजन, यू मेड दिस ग्रुप फ्रॉम स्क्रैच एंड यू टेक इट टू सच अ बिग हाइट, देन व्हाई आर यू गेटिंग असाइड फ्रॉम दिस? यू सी, वी आर ऑलवेज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द पीपल अराउंड अस, आवर कस्टमर्स, दैट्स आवर प्राइम फोकस। So any initiative which is going to help us to serve our community better, we would welcome those initiatives. And this is something which is very, very attractive for the, I would say it is going to do a lot of good to our customers, lot of good to the economy, and therefore we are very enthusiastic about getting into it. Puri ye deal hone ke baad ab kitni listed entity dekh rahe hain? पूरी ये डील हो जाएगी तो एक तो आईडीएफसी जो आज लिमिटेड है वो रहेगी और आईडीएफसी बैंक रहेंगी, ये दो लिमिटेड, ये दो तो लिस्टेड एंटिटीज रहेंगी और देखते हैं शायद ये और भी हो सकते। ये सब्सिडरी जो एनओएफएचसी है उसकी सब्सिडरी होगी, बैंकिंग नहीं होगी। और ये हमारे समझ में ऐसा आता है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के विद इन गाइडलाइंस है कि 100% सब्सिडियरी जो मोनोलाइन बिजनेस में वो हो सकती है। हालांकि स्वैप रेशियो क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी इस डील पर, उस पर इवैल्यूएशन होगा और इसी के लिए 90 दिनों का समय रखा गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मर्जर का एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा आईडीएफसी बैंक, क्योंकि आईडीएफसी बैंक का जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो इससे एनलार्ज होगा। एक लीडरशिप पोजीशन है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और अगर सिटी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की बात करें तो ये स्मॉल लोन्स ऑफर करती है, एक लार्ज कस्टमर बेस है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट जिसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस आते हैं रूरल और सेमी रूरल एरियाज में, तो नजर रहेगी इस पूरे ही स्पेस पर।